महाराष्ट्र के बंबई में वडाला में हिंदू मुस्लिम एकता का गणपति पंडाल बना मिसाल। बता दें, बंबई वडाला टीटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में संगम नगर में एक गणपति पंडाल से ताजिए निकालने को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा। हिंदू मुस्लिम एकता का गणपति पंडाल बना मिसाल। गणपति पंडाल से हजारों लोगों का जुलूस की शक्ल में निकलना और ताजिए निकालना पुलिस के लिए था कठिन चुनौती। सखा मेरा अब्बास नहीं, अश्क पी लूंगी मुझे प्यास नहीं, हमको ये करबो बला रास नहीं। टर्मिनल पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में संगम नगर करके एक मिश्र लोक बस्ती का एरिया है हमारे जुरिडिक्शन में। वह हिंदू मुस्लिम मिक्स कम्युनिटी है और ये साल गणपति त्योहार और मुहर्रम का ताजिया एक ही बार आया है, तो 10 तारीख को ताजिया का मेरोनुक था और उसी संगम नगर गली में एक बड़ा गणपति मंडल का गणपति रहता है और वहाँ से 15 से ज़्यादा ताजिया, 5000 लोगों से ज़्यादा क्राउड वहाँ से पास हुआ है गणपति के सामने से, गणपति के पैंडल से। और इस वो देखने जाए तो अलग लगता है कि कानून और सुव्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वहाँ मंडल के लोग और ताजिया निकालने वाले मंडल के लोग उनके साथ कम्युनिकेशन करके उनकी एक साथ मीटिंग लेके और उन लोग को या भाईचारा रखने के लिए कन्विंस किया। और ये ताजिया का जो मेरोनुक है उसने उसको शामिल कर लिया गणपति मंडल के कार्यकर्ते और ताजे के कार्यकर्ते और साथ में पुलिस। हम सब मिलके वहां कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होने नहीं दिया। वहां जगह छोटी है, गली छोटी है, फिर भी एकदम डिसिप्लिन में सब ताजा गणपति पेंडल से पास हो गए और इतना बड़ा गर्दी था, क्राउड था, वो भी वहां से एकदम शांततामय और एकदम डिसिप्लिन में पास हो गया। और वैसा देखने जाए तो ये पूरा देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण है। अगर स्थानीय लोग चाहे हमें भाईचारा से रहने हैं तो हर त्यौहार वो साथ मिलके अच्छा साजरा कर सकते हैं, ये दुनिया के लिए बड़ा उदाहरण है।